अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर। कैसे हैं आप? काम कैसा चल रहा है? आपने पहली होमवर्क असाइनमेंट पे कुछ प्रोग्रेस शुरू की? अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस हो रही हो तो मेक श्योर कि आप अपने ट्यूटर से ज़रूर हेल्प लें। इट्स देयर जॉब टू हेल्प यू। खैर, बात करते हैं आज के लेक्चर की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि पिछली दफ़ा हमने क्या कवर किया था। पिछली दफ़ा हमने कंप्यूटिंग के एवोल्यूशन की बात की थी कि कंप्यूटर्स एक ज़माने में बड़े बड़े बेहंगम से बीस्ट हुआ करते थे। वक्त के साथ साथ उनकी पावर बढ़ती गई, उनकी कैपेबिलिटी बेहतर से बेहतर होती गई और उनका साइज़ छोटे से छोटा होता गया। वक्त के साथ साथ उनकी कॉस्ट कम से कम होती जा रही है। 100 साल पहले, बल्कि 50 साल पहले, जिन चीज़ों को करने के लिए आपको लाखों करोड़ों डॉलर की जरूरत होती थी, आजकल वही चीज़ें चंद हज़ार रुपयों में आप कर सकते हैं। सो वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन ने यह हमें दिया, ज़्यादा पावर, स्मॉलर साइज एंड लो कॉस्ट। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हमने देखी कंप्यूटर्स के एवोल्यूशन के बारे में, वो ये कि पिछले बहुत सारे सालों में, स्टार्टिंग विद द एनालिटिकल इंजन, कंप्यूटर का डिज़ाइन इतना चेंज नहीं हुआ, सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज होती गई है। वी स्टार्टेड विद मैकेनिकल कंप्यूटर्स, देन दे बिकेम इलेक्ट्रोमैकेनिकल, देन दे बिकेम वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, एंड दीज डेज वी हैव कंप्यूटर्स विच आर ट्रांजिस्टर बेस्ड। इन चारों जनरेशन्स में कंप्यूटर्स का डिज़ाइन इतना चेंज नहीं हुआ, बस उनकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। जिस तरह उन्हें बनाया गया है वो चेंज हुआ है, लेकिन जो बनाया गया है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स अब भी वही हैं जो शुरू में थे। हमारा ख्याल है कि क्वांटम कंप्यूटिंग इज गोइंग टू चेंज दैट। क्वांटम कंप्यूटिंग इज अ ब्रेथ टेकिंग न्यू वे ऑफ डिजाइनिंग कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए जो कंप्यूटर डिजाइन होंगे उनकी कैपेबिलिटी आजकल के करंट डिजाइन से कहीं बेहतर होगी, मे बी मिलियंस ऑफ टाइम्स बेटर। So this is what we discussed last time. Let's move on to what we are going to do today. आज हमारा टॉपिक जो है, दैट इज द वर्ल्ड वाइड वेब। पिछली दफा इस टॉपिक को हमने थोड़ा सा छेड़ा था, लेकिन आज का लेक्चर जो है, इट इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन दैट टॉपिक। हम बात करेंगे कि ये वर्ल्ड वाइड वेब की जो एक्टिविटी है, ये इतनी पॉपुलर क्यों है, वर्ल्ड वाइड वेब किस तरह काम करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये शुरू कैसे हुआ था, ये किस तरह इवॉल्व हो रहा है और फ्यूचर में इसका क्या बनेगा, और ये भी कि वर्ल्ड वाइड वेब का हमारी ह्यूमन काइंड पे असर क्या हुआ है, हमारी सोसाइटी पे इसके क्या इफेक्ट्स हैं, हमारी कॉमर्स पे इसके क्या इफेक्ट हैं, कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से किस तरह चेंज हुए हैं। सो दिस इज what we are going to talk about today, the World Wide Web. पहला सवाल, और आज का लेक्चर बहुत सारे सवालों के जवाबों के बारे में है, तो हमारा पहला सवाल यह है कि ये वर्ल्ड वाइड वेब है क्या चीज। तो जनाब, इन वेरी सिंपल टर्म्स, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, अ ह्यूज कलेक्शन, बेशुमार इंफॉर्मेशन अवेलेबल है थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब। और इस कलेक्शन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह लॉजिकली यूनिफाइड है और फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लॉजिकली यूनिफाइड से मुराद यह है कि आप इस इंफॉर्मेशन में से, इस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन में से अगर कोई चीज देखना चाहते हैं तो एक बड़ा सादा तरीका है जिससे आप किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तक जा सकते हैं। इसका मतलब लॉजिकली यूनिफाइड है और फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब यह है कि यह इंफॉर्मेशन दुनिया में किसी एक जगह पे नहीं पड़ी हुई, बल्कि दुनिया के बेशुमार कंप्यूटर्स में फैली हुई है। कोई कंप्यूटर पाकिस्तान में पड़ा है, कोई बांग्लादेश में है, कोई ईरान में है, कोई अमेरिका में है, एंड ऑल दीज कंप्यूटर्स दे टॉक टू ईच अदर, और इन सारे के सारे कंप्यूटर्स पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, और वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। सो लॉजिकली यूनिफाइड, लेकिन फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ग्लोब।
अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, इट्स अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इस इंफॉर्मेशन को देखते किस तरह है, और दूसरी बात ये कि वो तो बात की बात है, क्या हमें इजाजत है इसे देखने की, क्या उस पर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ खास खास लोग इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं? नहीं जनाब, एवरीवन एंड एनीवन कैन एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन। कोई नेशनलिस्टिक और आइडियोलॉजिकल और रेशियल और इवन रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आदमी किसी वक्त भी इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, दे आर नो रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान का कोई भी कस्बा जहां पे टेलीफोन का कनेक्शन हो, वहां से आप वर्ल्ड वाइड वेब की सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सो एवरीवन इज अलाउड, एवरीवन इज वेलकम। वेब की एक खसूसियत यह है कि इट इज अनलाइक एनी अदर इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन काइंड। इंसानों ने अब तक जितनी भी चीजें बनाई हैं, ये उससे बहुत मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं बनी थी विच इज शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द ह्यूमन रेस, इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ द ह्यूमन रेस, इज मेंट टू बी यूज्ड बाय ऑल ऑफ द ह्यूमन रेस। सो इट्स एन इन्वेंशन जिसमें इट्स एन इन्वेंशन जिसके जरिए सबके सब लोग जो दुनिया में हैं वो बेनिफिट कर सकते हैं। सो इट्स अ कॉमन शेयर्ड रिसोर्स फॉर होल ऑफ द ह्यूमन काइंड। तो जनाब, हमने ये तो देख लिया कि ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन रिसोर्स है विच इज अवेलेबल टू एवरीवन, विच इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। अब इस इंफॉर्मेशन रिसोर्स को हम यूज कैसे करते हैं? जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि जब हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो अगर हम उनमें से किसी एक वेब पेज को एक्सेस करते हैं, विजिट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने का तरीका क्या है, यानी किसी एक वेब पेज को अगर आप देखना चाहें तो उसको देखने का तरीका और सलीका क्या है। जनाब, आपको चार चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये, अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उसे ऑन करें। Then make sure that it is connected to the internet through the modem or through a computer network. ये दो काम हो गए। तीसरा काम आपने ये करना है कि अपने ब्राउजर पे डबल क्लिक करके उसे लॉन्च करना है। चौथा और आखिरी काम यह है कि जिस वेब पेज पे आप जाना चाहते हैं उसका URL आपने टाइप करना है और उसके बाद एंटर दबाना है, एंड यू आर एक्सेसिंग द वेब। अब यहां पर मैंने दो टर्म्स यूज की हैं, एक ब्राउजर और एक URL। इनके बारे में मैं थोड़ी सी और गुफ्तगू करना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह कि ब्राउजर क्या होता है। तो जनाब, ब्राउजर एक टूल है। ब्राउजर एक ऐसा टूल है जिसके जरिए आप वेब के कंटेंट को एक्सेस करते हैं, उसको देखते हैं। जिस तरह अगर आपने टेलीविजन प्रोग्राम्स देखने हो, उसके लिए आपको टेलीविजन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह अगर आपने वेब को देखना है, उसके लिए आपको ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। तो ब्राउजर इज अ टूल वी यूज्ड टू लुक एट द कंटेंट व्हिच इज अवेलेबल ऑन द वेब। पहला ब्राउजर जो था वो 1993 में बना था, उसका नाम था मोज़ेक। इट वाज डेवलप्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय। आजकल के मॉडर्न ब्राउजर जो है उस ब्राउजर से कहीं बेहतर है। वो ब्राउजर जब शुरू में बना था वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड पेजेस को देख सकता था, उनको दिखा सकता था आपको, लेकिन उसके बाद उसे एनहेंस किया गया ताकि उसमें ग्राफिक्स देखने की कैपेबिलिटी भी आ जाए। आजकल के जो पॉपुलर ब्राउजर्स हैं, मसलन इंटरनेट एक्सप्लोरर है या फिर नेटस्केप नेविगेटर है, इन दोनों में बहुत सारी वो बातें हैं जो पहली दफा मोज़ेक में नजर आई थी। सो मोज़ेक इन अ वे इज द ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल ब्राउजर्स। तो ब्राउजर की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं URL की, कि एक URL क्या होता है। URL जो है, इट स्टैंड्स फॉर, URL एक एड्रेस होता है। वर्ल्ड वाइड वेब पे जितने भी वेब पेजेस हैं उन सब का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है और उस एड्रेस को हम URL कहते हैं।
इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पे तीन मुख्तलिफ URL नज़र आ रहे हैं. पहला एक बड़े मशहूर न्यूज़पेपर का है, दूसरा मेरे अपने होम पेज का है, तीसरा एक ऑर्गेनाइजेशन का है. सो दिस इज हाउ वी राइट डाउन द URLs. इसके बारे में वक्त के साथ साथ आपको मजीद भी पता लगेगा. अच्छा चला, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ठीक है, हमें पता लग गया वेब पेजेस को एक्सेस कैसे करते हैं. अब ये बताइए, क्या उनको देखने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए क्या हमें कोई किराया भी देना पड़ेगा, क्या हमें कोई पेमेंट भी करनी पड़ेगी? तो जनाब, वी आर क्वाइट लकी इन द सेंस दैट मोस्ट ऑफ द यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज फ्री. एनीबडी फ्रॉम एनीवेयर कैन एक्सेस इट विदाउट पेइंग एनीथिंग फॉर इट. हाँ, थोड़ा सा कॉन्टेंट वेब पे ऐसा भी मौजूद है जिसके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, और वो पेमेंट अमूमन क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स की सूरत में होती है. लेकिन वैसे यूजफुल वेब पेजेस कम हैं और फ्री वेब पेजेस बहुत ज्यादा है. तो जनाब, हम वेब पे जा भी सकते हैं, हमें पता भी लग गया कि ज्यादातर चीजें वेब पे फ्री हैं. अब वेब पे अगर एक दफा हम एक URL एंटर कर दे, उस पेज पे हम चले जाएं, फिर हम आगे कैसे बढ़ें, हम मजीद वेब पेजेस पे किस तरह जाएं, या फिर एक लफ्ज जो यूज होता है, हम ब्राउजिंग कैसे करें? तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है. आप अमूमन किसी भी वेब पेज पे जाएंगे, वहां पे आपको एक खास फॉर्म की टेक्स्ट मिलेगी, वो होगी ब्लू रंग की टेक्स्ट और वो अंडरलाइंड होगी. ऐसी टेक्स्ट जो है, इसे हम एक हाइपरलिंक कहते हैं. तो वेब पे अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो, तो वो अमूमन हाइपरलिंक्स पे क्लिक करने के जरिए किया जाता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं अपने होम पेज से. स्क्रीन पे आपको मेरा होम पेज नजर आ रहा होगा. इस होम पेज पे आप देख रहे हैं कि तीन लाइनें ऐसी हैं विच आर ब्लू एंड विच आर अंडरलाइंड. ये तीन लाइनें जो हैं, दीज आर कॉल्ड हाइपरलिंक्स. हाइपरलिंक से मुराद अगेन यही है कि मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं कहीं का कहीं पहुंच जाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगा, तो मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा. अगर मैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगा, तो मैं जो ये कोर्स है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101, इसके होम पेज पे पहुंच जाऊंगा. मेरे वेब पेज पे आपको एक चीज और भी नजर आ रही होगी, ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में आपको मेरे पेज का URL भी नजर आ रहा होगा. तो जनाब, अगर आपने किसी वेब पेज पे जाना है, तो उसके दो तरीके होते हैं. या तो आपको उसका URL पता हो, या फिर आपको कोई ऐसा पेज पता हो जहां पे, जिस पेज पे आप जाना चाहते हैं, उसके हाइपरलिंक मौजूद हो. सो यू मूव अराउंड द वेब विद द हेल्प ऑफ URLs और हाइपरलिंक्स. ये दोनों चीजें जो है, दे आर गेटवेज टू अदर वेब पेजेस. And you go to those web pages either by typing in the URL या फिर by clicking on the hyperlink. एक सवाल जो जहन में आता है कि अच्छा, मैं browsing कर रहा हूं, कितने web pages होंगे जिस पर मैं जा सकता हूं? चंद साल पहले 1999 में estimate किया गया था कि there were a total of 800 million web pages, which is a huge number. लेकिन 2002 का जो एस्टिमेट है, दैट सेज करंटली देयर आर 8 बिलियन वेब पेजेस. 8 बिलियन मे नॉट साउंड मच टू यू, लेकिन इट इज अ ह्यूज नंबर. फर्ज करें कि आप ये सारे के सारे वेब पेजेस देखना चाहते हैं, क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर सम इंफॉर्मेशन. अगर आप हर वेब पेज को देखें और हर वेब पेज पे तकरीबन एक मिनट सर्फ करें, तो आपको पता है आपको कितने साल लगेंगे? आपको जनाब 15,000 साल लगेंगे कि आप 8 बिलियन वेब पेजेस को एक एक मिनट के लिए देख सकें. 15,000 साल का अरसा खासा लंबा होता है, इतनी उम्र किसकी होती है. लेकिन हाँ, अगर मिर्जा साहब आपको दुआ दे दें, तो शायद आपकी उम्र भी इतनी हो जाए. उन्होंने बहुत साल पहले किसी को दुआ दी थी कि तुम सलामत रहो 1,000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000. तो जनाब, अगर 1,000 बरस हों,
और हर बरस में 50,000 दिन हो, तो हमारे लिहाज से ये 1,40,000 नॉर्मल साल बनते हैं। तो अगर मिर्ज़ा साहब आपको ये दुआ दें, उनकी दुआ कबूल हो, तब आपके पास इतनी ज़िंदगी है कि आप सारे के सारे वेब को देख सकें। लेकिन आखिर कब तक? इस साल आप देख लेंगे, अगले साल देख लेंगे, लेकिन 10 साल के बाद इवन इफ़ मिर्ज़ा साहब की दुआ आपके बारे में कबूल होती है, फिर भी आपकी ज़िंदगी इतनी नहीं होगी कि आप सारे के सारे वेब को एक एक मिनट के लिए देख सकें। क्योंकि आज से 10 साल के बाद 8 बिलियन से कहीं ज़्यादा वेब पेजेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये वेब इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों कर रहा है? 1999 में 800 मिलियन थे, 3 साल के बाद 2002 में 8 बिलियन हो गए, 10 साल के बाद न जाने कितने बिलियन हो जाएंगे। क्या वजह है इसकी? ये वेब इतनी तेजी से ग्रो क्यों कर रहा है? तो जनाब, इसकी वजह बड़ी सादी सी है। इसकी वजह यह है कि वेब पे कोई कंट्रोल्स नहीं है। वेब के ऊपर अगर आप अपना कुछ कंटेंट रखना चाहते हैं, यू डोंट हैव टू आस्क फॉर एनीबॉडीज परमिशन। आपके जो जी में आए आप वेब पे डाल सकते हैं। Nobody is able to tell you no, you can't do it. ना सिर्फ ये, आप अपने पेज पे किसी भी पेज का हाइपरलिंक रख सकते हैं। कोई आपको ये नहीं कहता कि जनाब अपने पेज पे मेरा हाइपरलिंक ना रखो। सो ये जो एनार्की है, ये जो फ्रीडम है, उसकी वजह से वेब दिन ब दिन बढ़ता और मजीद बढ़ता और मजीद बढ़ता चला जा रहा है। इसका फायदा ये है कि वेब की ग्रोथ जो है वो एक बहुत ही तेज रफ्तार से हो रही है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि वेब खासा इनकंसिस्टेंट है, कि अगर आप एक पेज पे जाते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहाँ पे आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, आप किसी और पेज पे जाते हैं जिस पे अजीबोगरीब चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा ये हो सकता है आप किसी एक पेज पे जाएं, वहाँ पे आप किसी हाइपरलिंक पे क्लिक करें और कुछ भी ना आए आपके सामने, क्योंकि वो हाइपरलिंक जहां पे आपको लेके जा रहा था वो पेज अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी वेब पे जो इंफॉर्मेशन है वो वक्त के साथ साथ बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन एक नुकसान ये है इस तेज ग्रोथ रेट का कि क्वालिटी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट दैट ग्रेट। नेक्स्ट जनाब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया की चंद पॉपुलर वेबसाइट्स कौन सी हैं। मेरी फेवरेट वेबसाइट बाय द वे इज google.com. google.com इज अ सर्च इंजन वेबसाइट। इसके बारे में, यानी सर्च इंजन के बारे में हम थोड़ी सी बात अभी करते हैं। उसके अलावा एक और वेबसाइट जिस पे मैं अक्सर जाता हूँ, दैट इज amazon.com, विच इज arguably द लार्जेस्ट ई कॉमर्स साइट ऑन द वेब। CNN जो है न्यूज के बारे में बहुत मशहूर है, Yahoo जो है इट्स अ जर्नल पर्पज साइट, माइक्रोसॉफ्ट की साइट जो है वो भी बहुत फेमस है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इज़ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड। उसके अलावा अमेरिका में एक ISP है AOL, उनकी वेबसाइट जो है वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैंने अभी आपके सामने वेबसाइट का लफ्ज़ यूज़ किया। वेबसाइट से क्या मुराद होती है? वेब पेज की तो हमने बात कर ली। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, लेकिन अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो आपको इस वक्त 3 URL नजर आ रहे हैं। पहला जो है वो है www.vu.edu.pk, दूसरा URL मेरे अपने होम पेज का है, और तीसरा URL जो है वो इस कोर्स यानी CS101 कोर्स के होम पेज का है। इन तीनों URLs में आपको कुछ चीज़ें कॉमन नजर आ रही होंगी, यानी जो पहला पोर्शन है तीनों URLs का वो एग्जैक्टली द सेम है। इससे मतलब ये है कि ये तीनों URL जो हैं ये एक ही वेबसाइट का हिस्सा है, यानी दे आर 3 डिफरेंट वेब पेजेस बट दे बिलोंग टू द सेम वेबसाइट। सो अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। आपने एक और टर्म सुनी होगी, होम पेज। होम पेज क्या होता है? होम पेज जिस तरह किसी भी किताब का, किसी मैगजीन का एक कवर पेज होता है, द टॉप मोस्ट पेज, इसी तरह किसी भी वेबसाइट का भी एक कवर पेज या टॉप मोस्ट पेज होता है। ट्रेडिशनली उसे हम होम पेज कहते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का होम पेज जो है उसका एड्रेस बड़ा सीधा सा है, www.vu.edu.pk।
pk. थोड़ी देर पहले हमने सर्च इंजन्स का तस्करा किया था. सर्च इंजन बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल टूल्स हैं. सर्च इंजन्स करते क्या हैं? वो करते ये हैं कि वो हर वक्त हर लम्हे वेबसाइट्स को, नई नई वेबसाइट्स को ढूंढते परखते रहते हैं, और वहां पे उन्हें जो भी नजर आता है, जितनी भी टर्म, जितने भी वर्ड्स, कीवर्ड्स नजर आते हैं, उनको भी इंडेक्स करते रहते हैं, उनको भी एक लिहाज से उनकी एक लिस्ट बनाते रहते हैं. उसके बाद होता यह है कि जब भी मैं किसी खास एरिया में, किसी खास आइडिया में, किसी खास टेक्निक में इंटरेस्टेड होता हूं, तो मैं उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड किसी सर्च इंजन पे जाके एंटर करता हूं. फर्ज करें कि मैं एनालिटिकल इंजन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं सर्च इंजन पे जाऊंगा और एनालिटिकल इंजन टाइप करूंगा. उसके बाद मैं एंटर दबाऊंगा तो सर्च इंजन क्या करेगा? वो अपने इंडेक्स में देखेगा, अपनी लिस्ट में देखेगा कि ये दो लफ्ज जो हैं एनालिटिकल इंजन, ये किन किन वेब पेजेस पे आते हैं. उन सारे वेब पेजेस की लिस्ट तैयार करेगा और वो मुझे दिखा देगा. मुझे इसका क्या फायदा है? मुझे इसका बहुत फायदा है, क्योंकि अब मुझे पता है कि किन वेब पेजेस पे जाके मैं एनालिटिकल इंजन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मालूम कर सकता हूं. जैसे मैंने बताया कि गूगल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड. इनका जो इंडेक्स है, इनकी जो लिस्ट है, उसमें अभी तकरीबन 2 बिलियन वेब पेजेस हैं. तो गूगल पे जाके हम एनालिटिकल इंजन के बारे में सर्च करें तो इस तरह हमें गूगल के पेज पे एनालिटिकल इंजन को टाइप करना पड़ेगा. उसके बाद हम सर्च का बटन दबाएंगे और हमें रिजल्ट जो हैं वो वैसे नजर आएंगे जिस तरह इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं. सो नाउ आई हैव अ लिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द पेजेस ऑन विच द वर्ड्स एनालिटिकल इंजन अपीयर. सो सर्च इंजन्स, दे आर अ वेरी वेरी यूजफुल टूल. अगर आपको किसी आइडिया, किसी वर्ड, किसी भी इन्वेंशन या किसी भी चीज़ के बारे में मालूम करना हो, तो आप किसी सर्च इंजन पे जाएं, वहाँ पे जो सर्च का फील्ड है उसमें वो टर्म या कीवर्ड एंटर करें और सर्च का बटन दबाएं, एंड यू विल हैव एक्सेस टू मे बी थाउजेंड्स ऑफ पेजेस विच टॉक एग्जैक्टली अबाउट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. सो अब हमने ये एस्टैब्लिश किया कि वेब पे जो भी अवेलेबल है उसको मैं जब मर्जी चाहूँ, जिस तरह चाहूँ जाके पढ़ सकता हूँ, उसको एक्सेस कर सकता हूँ. दूसरा सवाल जो ये है कि ठीक है, मैं दूसरों की चीजें तो पढ़ सकता हूं, क्या मैं दूसरों को अपनी चीजें पढ़वा सकता हूं? कैन आई पुट माई ओन स्टफ ऑन द वेब? इस पे क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं? डेफिनेटली देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस. यू जस्ट नीड एक्सेस टू अ कंप्यूटर जो इंटरनेट से हुक्ड अप है. अगर आपके पास ऐसा कंप्यूटर है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, यू कैन ईजिली गो एंड प्लेस योर ओन स्टफ ऑन द वेब. यू डोंट रिक्वायर एनीबडीज परमिशन. आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है अपनी चीजें वेब पे डालने के लिए. और जो ही आप अपनी चीजें वेब पे डालते हैं, द सेम मोमेंट ऑल दैट स्टफ इज विजिबल टू एवरीबडी ऑन द वेब. जिन लोगों के पास भी इंटरनेट एक्सेस है, वो आपके वेब कंटेंट को, आपके वेब पेज को देख सकेंगे. एंड नेक्स्ट वीक यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न हाउ टू डू exactly that. आपके छठे लेक्चर में we are going to discuss how to develop a web page. Not only that, how to make it available on the web so that it is visible to everybody on the web. आपने लफ्ज web भी सुना है, internet भी सुना है. Are they the same? या इनमें कोई फर्क है? Is there a difference between the term इंटरनेट एंड द वेब? क्या ख्याल है आपका? देखिए जनाब, ये दोनों टर्म्स जो हैं, ऑफन दे आर कंफ्यूज्ड दैट दे मीन द सेम, बट दे डू नॉट मीन द सेम. वेब इज अ सर्विस विच रन्स ओवर द इंटरनेट. जिस तरह हमारे शहर में सड़कें हैं, उन पे बस सर्विस चलती है, उस पे वैगन सर्विस भी चलती है, उस पे टोंगा सर्विस भी चलती है. सो वेब इज वन ऑफ द सर्विसेज एंड इंटरनेट इज लाइक दोज रोड्स. सो इंटरनेट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर वेब चलता है.
एक चीज और के व्हेन वी से द वर्ल्ड वाइड वेब और द वेब और www वी मीन द सेम, लेकिन इंटरनेट एंड द वेब दे डू नॉट मीन द सेम थिंग. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट. एक और सवाल जो आप पूछ सकते हैं वो ये कि वेब पे बेशुमार इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन किस किस चीज के बारे में? तो इसका बड़ा सादा सा जवाब है, वेब पे हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. एवरीथिंग नोन टू मैनकाइंड इट हैज समथिंग अबाउट इट अवेलेबल ऑन द वेब. और ये इंफॉर्मेशन जो है ये ज्यादातर तो टेक्स्ट की सूरत में है, लेकिन अब बेशुमार इमेजेस भी वेब पे अवेलेबल हैं. उसके अलावा साउंड की सूरत में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वीडियो की सूरत में भी, एनिमेशन की सूरत में भी. एक और इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि वेब को शुरू हुए बहुत अरसा हो गया, 1989 से अब तक 12-13 साल गुजर गए, तो अब तक वेब का इम्पैक्ट क्या है? वेब ने कंप्यूटिंग को कैसे चेंज किया है? वेब ने सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट किया है? वेब ने हमारी कॉमर्स को, हमारे बिजनेस को किस तरह चेंज किया है? सो मेरे ख्याल में इन तीनों चारों चीजों पे वेब का एक बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट हुआ है. आप अगर कंप्यूटिंग को ही ले लें, वेब की वजह से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि लोगों की तादाद जो कंप्यूटर यूज कर रहे थे वो वक्त के साथ बहुत तेजी से बढ़ी है. बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट टू द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन द वेब. उसकी वजह से क्या फर्क पड़ा? उसकी वजह से फर्क यह पड़ा कि कंप्यूटर्स की डिमांड बढ़ गई. कंप्यूटर्स की डिमांड बढ़ गई, उसकी वजह से क्या एक और फर्क पड़ा कि कंप्यूटर बेशुमार लोगों ने यूज करने शुरू किए, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी कम हो गई. सो वेब की वजह से कंप्यूटर्स सस्ते हो गए. एक और चीज जो हुई वो ये कि अब बेशुमार लोग वेब को यूज करते हैं, और उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं हु आर नॉट टेक्निकल पीपल. वो कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं है, वो आम लोग हैं, आम बिजनेसमैन, हाउसवाइफ्स, छोटे छोटे बच्चे. ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट टेक्निकली ट्रेंड दे यूज द वेब. उसकी वजह से एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा. उसकी वजह से कंप्यूटर साइंटिस्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट करके कंप्यूटिंग को और सिंपल बनाना पड़ा और यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ा. तो ये तो कंप्यूटिंग की बात हो गई. अब देखते हैं कि वेब का हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, हमारी सोसाइटी वेब की वजह से किस तरह चेंज हुई है. तो मैं दो चीजें मेंशन करना चाहूंगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. पॉजिटिव ये कि वेब के जरिए एक चीज जो खासी आम हो गई है वो अफोर्डेबल एंड यूजर फ्रेंडली कम्युनिकेशन है. उसकी वजह से ग्लोबल विलेज जो है जरा श्रिंक कर गया है, लोग एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए. नेगेटिव इफेक्ट जो हुआ वो ये कि खासे बिजनेस पीपल जो हैं, जो अपने लोग बिजनेसेस चलाते हैं, वो जो घर पे भी आते हैं तो अपना काम घर पे ले आते हैं. यानी घर पे बैठ के भी दे आर कम्युनिकेटिंग विद देयर बिजनेसेस, चाहे वो उनका लोकल बिजनेस हो चाहे उनका इंटरनेशनल बिजनेस हो, वो घर पे भी बैठे कंप्यूटर के साथ जुड़े रहते हैं. उसका नुकसान ये है कि वो अपनी फैमिली को अब कम टाइम देते हैं, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते, अपने माँ बाप, अपनी बीवी, अपने बहन भाई को कम टाइम देते हैं, अपने कंप्यूटर और अपने बिजनेस को ज्यादा टाइम देते हैं. और उसकी वजह से देखा गया है कि कई फैमिलीज में लाइफ मुतासर हुई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हुई. नेक्स्ट चीज जो हम देखना चाहेंगे वो है वेब का असर बिजनेसेस पे. बिजनेसेस पे यानी कॉमर्स पे वेब का बेशुमार और ह्यूज इंपैक्ट हुआ है. हुआ ये है कि अगर मैं अपने बिजनेस को वेब पे लेके जाता हूं और कोई साहब जिनको मैं नहीं जानता वो मेरे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन को वेब पे देखते हैं, ही गेट्स इन टच विद मी. मैंने उनको जाके नहीं पकड़ा, वो मुझे आके पकड़ते हैं. सो द मोमेंट आई टेक माय बिजनेस ऑन द वेब आई एम अ ग्लोबल बिजनेस. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो साहब मेरे शहर में या मैं उनके शहर में हूं. एज लॉन्ग एज आई एम ऑन द वेब और वो मेरे होम पेज, मेरी वेबसाइट को देख सकते हैं, ही हैज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट मी एंड माई बिजनेस. और अगर उन्हें मेरे बारे में या मेरे बिजनेस के बारे में बात चीजें पसंद आती हैं, देन वी कैन स्टार्ट टॉकिंग एंड स्टार्ट अ बिजनेस रिलेशनशिप. सो वेब की वजह से ये पॉसिबिलिटी कि आप एक ग्लोबल बिजनेस बन जाए
पड़ गई है. द मोमेंट यू पुट योर स्टफ ऑन द वेब, द मोमेंट यू स्टार्ट अ वेब पेज फॉर योर बिजनेस, यू आर अ ग्लोबल बिजनेस. मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप ग्लोबल बिजनेस बन गए तो आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं द पॉसिबिलिटी इज देयर. इससे पहले ये पॉसिबिलिटी भी नहीं थी. इससे पहले अगर आपका बिजनेस यहां पे है, आपको एंड कस्टमर तक पहुंचना, अगर वो कस्टमर आपसे 10,000 मील दूर हो, खासा मुश्किल था. नाउ इट इज मच सिंपलर बिकॉज ऑफ द वेब. एक चीज इसका तذکرہ हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, उसको मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि हु इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब एंड व्हाई. तो जनाब ये एक साहब थे जो यूरोप में न्यूक्लियर एनर्जी की रिसर्च कर रहे थे, ब्रिटिश नेशनल फिजिसिस्ट टिम बर्नर्स-ली. 1989 में उन्हें वेब का ख्याल आया था और उनकी सोच बड़ी सादी सी और एक बड़े सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थी. वो सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे कि उनके साथी साइंटिस्ट जो हैं वो अपने आइडियाज, अपने डॉक्यूमेंट्स आसानी से शेयर कर सकें ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो इसलिए ही केम अप विद द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब. तो खासा अरसा हो गया, 1989 से अब तक बहुत साल हो गए. वेब ने ह्यूमन काइंड को, इंसानी नस्ल को, एक बहुत ज़बरदस्त कैपेबिलिटी दी है इंफॉर्मेशन शेयर करने की. एक सवाल जो किया जा सकता है कि ठीक है, ये बड़ा अच्छा टूल है, बड़ा अच्छा मीडियम है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, क्या इसमें कोई खामी भी है, क्या इसमें कोई वीकनेस भी है, क्या इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगर हम फिक्स करें तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा. तो जनाब इसका जवाब है बिल्कुल. एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट वन ऑफ देम. जिस फॉर्म में वेब आजकल हमें नजर आता है, इट वॉज डिजाइंड फॉर ह्यूमंस, कि ह्यूमंस इस पे जो टेक्स्ट है उसको पढ़ें, इस पे जो ग्राफिक्स हैं उसे देखें और उससे नॉलेज हासिल करें. लेकिन ये वेब जो है ये कंप्यूटर्स के लिए डिजाइन नहीं किया गया. यानी अगर कंप्यूटर किसी वेब पेज पे जाता है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसका मीनिंग अखज नहीं कर सकता. और उसकी वजह यही है कि इट वॉज डिजाइन फॉर दैट पर्पज. इट वॉज डिजाइन फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड, नॉट कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड. तो कंप्यूटर्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जब वो किसी वेब पेज पे जाते हैं, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, उनको उसका कॉन्टेंट समझ नहीं आता. जो चीजें हमें फौरन समझ आ जाती हैं कंप्यूटर्स को समझ नहीं आती. मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ. ये मेरा वेब पेज आपकी स्क्रीन पे सब नजर आ रहा है. अगर मैं इसको देखूं या आप उसे देखें या कोई भी इसे देखे, वो कहेंगे अल्ताफ खान, ये तो इंसाफ का नाम होगा. वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ये इनके एम्प्लॉयर का नाम होगा. हमें किस तरह पता लगता है? बिकॉज वी आर ह्यूमन विद एक्सपीरियंस, वी नो कि उमन ऐसी चीजों का ये मतलब होता है. लेकिन जहां तक कंप्यूटर का ताल्लुक है, वो जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी या अल्ताफ खान देखेगा उसको कुछ इतनी समझ नहीं आएगी. कंप्यूटर्स को थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होती है. कंप्यूटर्स को हमें बताना पड़ेगा नेम इज इक्वल टू अल्ताफ खान, एम्प्लॉयर इज इक्वल टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी. तब जाके उन्हें पता लगेगा कि ये अल्ताफ खान क्या चीज है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या चीज है. सो जिस तरह आजकल वेब पे इंफॉर्मेशन नजर आती है, कंप्यूटर्स को उसकी समझ नहीं आती. जिस तरह आजकल के वेब पेजेस हैं उनकी सिर्फ ह्यूमंस को आसानी से समझ आती है, कंप्यूटर्स को नहीं आती. एंड दैट इज द की वीकनेस ऑफ द वेब एज वी नो इट राइट नाउ. आजकल के वेब में दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, दैट इज वन ऑफ द की वीकनेसेस. तो अब क्या होगा? प्रिसाइजली फॉर दिस रीजन द वेब ऑफ द फ्यूचर विल बी डिफरेंट. द वेब ऑफ द फ्यूचर विल बी different from the web of today. The future of the web will be semantic. The web of the future will be called the semantic web. Semantic web
और आजकल के वेब में क्या फर्क होगा? सिमेंटिक वेब में इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट होगी कि कंप्यूटर्स उसे अंडरस्टैंड कर सकें। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि सिमेंटिक वेब को ह्यूमंस अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, वो भी कर सकेंगे। सो सिमेंटिक वेब इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस द करंट वेब, इट विल बी इन एडिशन टू दैट। तो यानी वेब पेजेस पे जिस तरह आजकल इंफॉर्मेशन नजर आती है तकरीबन उसी तरह नजर आएगी, लेकिन जब कंप्यूटर उसे देखेंगे उन्हें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नजर आएगी। सो सिमेंटिक वेब और आजकल के वेब में यही फर्क कि सिमेंटिक वेब इज डिजाइन फॉर कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट। आजकल का वेब जो है इट इज डिजाइंड फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट। सिमेंटिक वेब के बारे में अगर आप कुछ और इंफॉर्मेशन मालूम करना चाहते हैं तो टिम बर्नर्स-ली साहब ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है जिसका URL इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। मेक श्योर दैट यू गो एंड टेक अ लुक एट दैट आर्टिकल। आजकल के वेब पे सिमेंटिक कंटेंट बहुत कम है, इतना ज्यादा सिमेंटिक कंटेंट आजकल के वेब पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप देखेंगे चेंज होता जाएगा और 5 साल के अरसे में अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिमेंटिक कंटेंट विल बी अवेलेबल ऑन द वेब। एक और यूजफुल वेब पेज अगर आपने अब तक नहीं देखा वो आपकी जो टेक्स्ट बुक है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर्स उसका वेब पेज है, उसका URL भी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आप इस वेब पेज पे जाएं एंड यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन ओवर देयर। सो लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। पहली चीज तो हमने ये देखी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ ह्यूज रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और उसके बारे में खास बात यह है कि लॉजिकली वो आपको एक ही चीज लगती है लेकिन एक्चुअली वो सारी दुनिया में फैला हुआ है। दुनिया में बेशुमार कंप्यूटर्स हैं जिस पे बेशुमार इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आप उसको एक बड़े सादे इंटरफेस से एक्सेस कर सकते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए या तो उन वेब पेजेस का URL आपको पता हो या फिर आप किसी ऐसे वेब पेज पे जाएं जहां पे उन वेब पेजेस से रिलेटेड हाइपरलिंक्स मौजूद हो। तो वेब कैसे काम करता है? वेब वर्क्स थ्रू हाइपरलिंक्स और URLs। एक चीज और जो हमने डिस्कस की वो ये कि वेब से हमारी जिंदगियों पे क्या असर पड़ा है। हमने देखा कि वेब की वजह से कंप्यूटर्स सस्ते हो गए हैं, वेब की वजह से कंप्यूटर्स को यूज करना आसान हो गया है, दे आर मोर यूजर फ्रेंडली नाउ। हमने ये देखा कि वेब की वजह से कम्युनिकेशन भी सस्ती हो गई है और ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गई है। और हमने ये नोट किया कि वेब की वजह से बाज़ औकात लोगों की फैमिली लाइफ नेगेटिवली मुतासर हुई है यानी खराब हो गई है। जहां तक बिजनेस का ताल्लुक है वेब ने वहां पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिया है, यानी वेब की वजह से बिजनेसेस के पास अब ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो ग्लोबल बनना चाहें तो उनको ज्यादा दुश्वारियां ना हो। आखिर में हमने बात की सिमेंटिक वेब की। हमने कहा कि आजकल का वेब जो है इट वॉज डिजाइंड फॉर ह्यूमन बींग्स, वो इसलिए बना था कि ह्यूमंस उसको देखें और उससे फैज हासिल करें। लेकिन फ्यूचर का वेब जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। उसे ह्यूमंस इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे बिल्कुल, लेकिन फ्यूचर का वेब यानी सिमेंटिक वेब जो है उसमें एक और चीज भी होगी, वो ये कि कंप्यूटर्स सिमेंटिक वेब पे जाके इंफॉर्मेशन को बेहतर तौर पे एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे, उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, उससे मीनिंग निकाल सकेंगे और उसको मैनिपुलेट कर सकेंगे। आजकल का वेब इज फोकस्ड ऑन अस, द वेब ऑफ द फ्यूचर विल नॉट ओनली फोकस्ड ऑन अस बट ऑल्सो फोकस्ड ऑन कंप्यूटर्स। It will be understandable not only by us but also by computers. तो जनाब ये तो थी आज की बात, अब हम करते हैं next time की बात। It's a very exciting lecture next time. अगली दफा हम बात करेंगे मुख्तलिफ तरह के computers की, कि हम computers को classify किस तरह करते हैं, कि जो super fast computers होते हैं उन्हें हम super computers करते हैं। उसके अलावा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं, पाम टॉप्स होते हैं, वेयरेबल कंप्यूटर्स होते हैं। विल टॉक अबाउट देयर कैपेबिलिटीज एंड देयर यूजेस।
उसके अलावा एक और बात जो हम करेंगे वो होगी कि ये सारे के सारे जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं इनमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुश्तरक हैं। मसलन ये कि इन सब कंप्यूटर्स में इनपुट देने का कोई तरीका होता है, इनसे आउटपुट लेने का कोई तरीका होता है, इन सब में प्रोसेसिंग होती है, इन सब में मेमोरी होती है, इन सब में स्टोरेज होती है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, इनके बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो जनाब उस वक्त तक खुदा हाफिज़।